नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आपराधिक कानून के बारे में बुनियादी जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं और 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था, इसके चेयरपर्सन मैकॉले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 1862 में ये पूरी तरीके से लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का मुख्य आपराधिक कोड है। इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून या आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। तो ये थी आपराधिक कानून के बारे में बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120-6127-937। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120-6127-938। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करें और आपराधिक कानून पर जानकारी आज हमें देंगे ऋषिपाल जी। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या हैं, किस पर आपराधिक कानून आधारित है? देखिए विश्व के भारतीय जो आपराधिक कानून है, उसको हम उसकी विचारधारा, उसकी हम पृष्ठभूमि को जो हम देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि भारतीय आपराधिक कानून, जिसको आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, जो वर्तमान स्थिति है वो आपने बताई जी। लेकिन भारतीय जो भारतीय हम अगर संस्कृति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के अंदर समय समय भिन्न भिन्न जो है जो राजवंश है, और हर राजवंश का अपना अपना आपराधिक कानून। तो धीरे धीरे जो हमारे अपने राजवंश के जो कानून थे, वो भी एक आधार से लिए। कुछ समय के बाद हम देखते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं, तो उन राजवंशों के बाद एक मध्यकाल आया। मध्यकाल के अंदर जो है अधिकांश मुगल वंश का शासन था, वही आपराधिक कानून थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे देश में हम देखते हैं, हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारे देश में, जिसे हम जानते हैं, हमें गुलाम किया और हम हमारी सारी व्यवस्था जो है वो उसके बाद जो है जो अंग्रेजी शासन था उसके द्वारा की जाएंगे जी। सर, सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता क्या है और इसको क्यों लागू किया गया, ये विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। देखिए सीआरपीसी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था, जैसे हमारे यहाँ पर जब न्याय व्यवस्था लागू हुई और न्याय व्यवस्था लागू होने के बाद हम कुछ समय के बाद हमें ये लगा कि न्याय व्यवस्था में एक रूपता होनी चाहिए, कि किस तरीके से वो जो कानून व्यवस्था है वो एक रूप हो सके जी, कानून व्यवस्था एक रूप हो सके और उसे एक रूप दिया जा सके, और हर व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे रूपता को जन्म दी जिससे कि जितने भी मामले हैं उनमें एक जैसा व्यवस्था आ सके, और उनको ध्यान में रखते हुए जो हमने जिसे आपने अपने इंट्रोडक्शन बताया, जो आईसीसी की हम बात करते हैं, सिविल पेनल कोड, जिसके अंदर ये हो कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी सजा दी जाएगी, उतना इम्पोर्टेंट ये है कि उस सजा देने की प्रक्रिया क्या होगी, और प्रक्रिया ऐसी हो जिसके अंदर कोई व्यक्ति कभी ये ना कहे कि वो मुझे बिना एक प्रॉपर
जो एक प्रक्रिया के द्वारा जो है मेरे ऊपर कोई दोषारोपण किया गया और मुझे जो है पूरा चांस नहीं मिला और मुझे पूरा जिसको अगर हम बहुत आसानी भाषा में समझते हैं तो जो नेचुरल जस्टिस जो होता है, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि दोनों पार्टियों को अधिकार होता है कि अपनी अपनी बात को वो न्यायालय में कह सकते हैं और न्यायालय से अपनी सारी बात रखते हैं और न्याय की प्रक्रिया ले सकते हैं। तो ये जरूरी था कि इस न्याय को दिलवाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया हो जो कि कोडिफाइड हो, जो कि ऐसे नहीं कि कोई अपने मन से जो है व्यवस्था पसंद नहीं, जिसे हम बात करते हैं अपराधिक सीआरपी की बात करते हैं, किस तरह से अपराध में होता है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको फाइनल रिपोर्ट होती है जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। उसके बाद जो है मुंजिम को बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये अपराध आपने ये किया। उसके बाद एक चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम के बाद जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो होती है, उसके बाद फिर कोई लगेज होता है, फिर डिफेंस एविडेंस होती है, फिर आर्गुमेंट होता है। तो ये प्रक्रिया है, ऐसे प्रक्रिया को कोडिफाइड तरीके से किया गया और ये जनरल है। लेकिन इसके अलावा हम उसको बहुत डिटेल में करेंगे कि जिस तरह ये जो बताया गया कि जो अपराध है उसका जुडिशियल क्या होगा, उसके किसी अपराध में लिमिटेशन क्या होगी। तो इन सारे कामों करने के लिए जिससे कोई एम्बिग्युटी ना हो, कोई भी जो कोई भी न्यायाधीश अपने अपने हिसाब से काम ना करे और पुलिस जो है इस अपराध का गलत इस्तेमाल ना करे, उस प्रक्रिया को सीआरपीसी में इसको करके कोडिफाइड लॉ बनाएगी, प्रक्रिया बनाएगी कि जिसके तहत ही किसी व्यक्ति को हम अपराध सिद्ध कर सकते हैं। जी सर, वैसे तो आपने कई जानकारी यहाँ पर दी, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि इंडियन पेनल कोड को लेकर अभी बात की आपने, तो दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि आखिरकार इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी क्या है, इसको विस्तार से हम समझना चाहेंगे आपसे। जैसे आप इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी यानी आईपीसी और सीआरपीसी। जी, आईपीसी जो है वो इंडियन पेनल कोड का मतलब उसको सब्सटेंशियल लॉ है, यानी जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है इसके तहत, तो वो जो अपराध है अपराध करता है तो अपराध के साथ क्या सजा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन पेनल लॉ के अंदर, क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन बताया कि करीब 1800 के आसपास ये जो आईपीसी बना था, तो जितने अपराध उस समय जो उस समय के न्यायाधीश थे उन्होंने जितने अपराध को हम कर सकते थे, जैसे मान लीजिए मर्डर है, रेप केसेज है, डकैती है, चीटिंग है, इनसे संबंधित जितने अपराध थे उस अधिकांश अपराधों को आईपीसी का सब्सटेंशियल लॉ में डिफाइन कर लेता है कि ये अपराध ऐसे हैं और ये अपराध इस तरह से माना जाएगा। जैसे 302 है, ये मर्डर है या चीटिंग है, हम किसको चीटिंग कहेंगे, हम किसको लूट कहेंगे, हम किसको किडनैपिंग कहेंगे, क्या चीज किडनैपिंग है क्या चीज नहीं है, या हम मतलब हमारी जो हम चीटिंग की बात करें, चीटिंग को डिफाइन किया जाएगा किस तरह से चीटिंग डिफाइन होगी। किसी एक व्यक्ति कहते हैं मैं तो मुझे लगता है मुझे धोखा दिया गया, तो उसके लगने से नहीं, इम्पोर्टेंट है कि उसके इंग्रीडियंट्स हैं ऐसे मर्डर के, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मरता है, 101 मरता है, 304 बी के लिए मरता है, 304 ए के लिए मरता है, 304 में भी, 304 1 पार्ट 1, 304 पार्ट 2, 302 के अंदर भी, तो सारे स्थिति हम देखते हैं सभी स्थिति व्यक्ति की इनकी होती है, लेकिन जो प्रोविजन्स है अलग अलग है, जो प्रोविजन्स अलग अलग है तो उनमें सजा जो है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए उस कानून को बनाया गया, लेकिन उसके बाद जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे कानून आए, एनडीपी आया, फिर उसके बाद और कानून आए, तो उसके बाद जैसे जैसे समाज तरक्की करता जाता है, जैसे जैसे नए अपराध साइबर जो है अपराधी आईटी एक्ट आया, तो जैसे जैसे अपराध और बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे और जो है सब्सटेंशियल लॉ आ जाते हैं, और इन्हीं सब्सटेंशियल लॉ को अगर हमें साबित करना होता है कि व्यक्ति ने अपराध किया और उसको सजा दिलवानी है, तो उसका जो प्रक्रिया है, उसकी तरीका है, वो सीआरपीसी ने दिखाई है कि उसी सब्सटेंशियल लॉ को किस प्रकार से आप उसको साबित करें। जी सर, सजा को लेकर तो यहाँ पर हम बात करेंगे, समझेंगे भी आपसे, लेकिन सीआरपीसी या आपराधिक संहिता के तहत जांच की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, वो भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, सामान्यतः जब भी जांच होती है वो एक संज्ञेय अपराध या पनिशेबल जो ऑफेंस होता है उसके जांच की शुरुआत होती है। जांच की शुरुआत सामान्यतः जानकारी से होती है, तो जब भी किसी भी जांच अधिकारी को, जिसको हम थाना अध्यक्ष को या उससे संबंधित जांच अधिकारी को ये पता लगता है कि कोई अपराध हुआ है, यानी कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस हुआ है, और जरूरी नहीं है उस कॉग्निटिबल ऑफेंस के लिए वो कोई व्यक्ति आगे उसको बताए, संभव है 99% जो है कोई कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है उस अपराध की जानकारी देता है, या उससे संघ के ज्ञान में भी आता है कि कोई अपराध हुआ है,
मगर ऐसा होता है कि सबसे पहले वो जो अपराध होता है उसकी एक एक, एक, एक आप समझ लीजिए लिखित शिकायत होती है, उस लिखित शिकायत को आधार मान के जो है FIR दर्ज होती है। FIR इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को आधार मान के फिर जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। उस जांच की प्रक्रिया में जो अपराधी है, अपराधी को पकड़ा भी जाता है, न केवल पकड़ा जाता है बल्कि वो सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं जिससे उस अपराध का, उस अपराधी का अपराध करने में शामिल होता है वो सारे साक्ष्य होते हैं। केवल एक अपराधी का हम बोलते हैं डिस्क्लोजर, एक अपराधी पकड़ लिया उसकी गलती की मैंने अपराध कर लिया और उसका डिस्क्लोजर लिख दिया गया, इससे उस अधिकारी को मालूम है कि इससे केस साबित किए गए, क्योंकि सेक्शन 25 के अंदर 24 के अंदर डिफरेंट भी पार्ट में इन अगले सेक्शन में ये 25 में हिट करता है। और ये जो पुलिस के सामने जो बयान होता है उस बयान की वो हम एडमिसिबल नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने जिम्मेदारी होती है कि जब अगर उसने अपराधी को पकड़ लिया है और तो कौन कौन से साक्ष्य को अपने साथ रखे जिससे कि उस ना केवल उसका डिस्क्लोजर बल्कि उसको उन साक्ष्यों से साबित कर सके, क्योंकि सामान्यतः ICC के जो अपराध होते हैं उनके अंदर सामान्यतः से कुछ अपराध जैसे 304 भी है जो जॉरी डेथ है उसको छोड़ के अधिकांश जो अपराध होते हैं उसमें ओनर्स टू प्रूव जो प्रोसिक्यूशन के होता है, यानी कि अभियोजन को ये साबित करना होता है कि जो अपराधी है उसने अपराध किया है। अपराधी को माना जाता है कि वो निर्दोषी जिस तरह के दोष साबित न हो जाए, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। सारी प्रक्रियाओं के चलते फिर जो एक जो जांच होती है, जांच में सारे के सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, उन सारे के सारे सबूतों को इकट्ठा करना, उनकी स्टेटमेंट लिखना, फिर वो जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो जो कंपाइल डॉक्यूमेंट होता है उसी डॉक्यूमेंट को हम चार्जशीट बोलते हैं या फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है सर। बहुत सारी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि हाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हुई लेकिन उसके बाद अपराध साबित नहीं हो रहा या अपराध नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी चार्जशीट करेगा लेकिन क्लोजर की भी चार्जशीट वो करते हैं। जी, तो आज के विषय पर हमें कानूनी जानकारी दे रहे हैं ऋषिपाल जी, और अगर आपका भी आज के विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, लगातार दो फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सर, नजरबंदी से जुड़े नियम क्या कुछ होते हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जो संबंधित प्रशासन होता है उसके लगता है किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाए, देखा जाए वो किसी अपराध को होने से भी रोका जा सकता है, वो अपराधी को अपराध के उससे भी रोका जा सकता है, ये भी संभव है कि उस अपराध उस व्यक्ति की उपस्थिति अगर कहीं बाहर हो जाती है तो भी अपराध हो सकता है, ये किसी और बहुत सारे कारण है जिसके अंदर प्रशासन को लगता है कि फिजिकल डिटेंशन नहीं जरूरत है। तो ऐसे में जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो होता है कंसर्न मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं उस व्यक्ति को एक समय के लिए एक बहुत लंबे मतलब बहुत अनइंडेफिनिट टाइम के लिए पहले जो है 48 घंटे के लिए उसके समय के लिए फिर मजिस्ट्रेट से पूछ के ही उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। डिटेन करने का मतलब है कि जो जो उसकी कहीं ना कहीं आप उसकी आजादी है जो स्वतंत्रता है आप उसको हनन करें, तो वो जब तक मेरी कंसर्न मजिस्ट्रेट आपको इजाजत दे देगा तब तक आप किसी को डिटेन नहीं कर। जी सर, संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध का शमन या कंपाउंडिंग एन ऑफेंस करने का क्या कुछ मतलब है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। हमारी जो अपराध संहिता है जो अपराध व्यवस्था है उस अपराध में बहुत कई तरीके के अपराध होते हैं, उसमें जैसे आप सामान्य भाषा में आप सुनिए कोई कोई आप किसी कोई कोई आदमी थप्पड़ मार देता है या मान लीजिए छोटी मोटी चोट काली कर देता है वो भी एक अपराध है, लेकिन कोई आदमी अगर किसी को आदमी चाकू मार दे और चीज को सात तक केस बन जाता है तो ये अपराध है। तो ऐसे अपराध बहुत सारे जो अलग अलग तरह का अपराध ये जो चीटिंग की बात करती या मान लीजिए चोरी की बात करती, तो जो हमारी अचानक जो हमारी जो CRPC है उसमें बहुत सारे कर्जे ऐसे अपराध है उनको कंपाउंडिंग या शामिल मानेंगे जिसके अंदर आपके अधिकार है तो दो व्यक्ति चाहे यानी अपराधी और शिकायतकर्ता जो है अगर वो चाहे तो उनको लगता है कि वो इस केस को आपस में खत्म कर सकते हैं, वो इस केस को निपटा सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, तो उन केसेस को हम बोलते हैं शमन कंपाउंड लेवल अफेंस बोलते हैं, यानी आप कोर्ट में जाके दोनों पार्टी ये बोल सकती है कि हम इस केस को खत्म करना चाहते हैं और मजिस्ट्रेट इस केस को दोनों पार्टी के ऐसे राइट वो मैटर ऑफ राइट है कि मजिस्ट्रेट कोई नहीं उसको खत्म कर।
लेकिन कुछ दूसरी कैटेगरी के अपराध होते हैं जिसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, अगर उसको लगता है कि हाँ आपका केस ऐसा है इसको कंपाउंड कर सकते हो तो कंपाउंड किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसको मैंने आपको बताया, जिसको अगर सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं जैसे रेप हो गया या मान लीजिए जैसे 307 केस हो गया है तो बहुत ज्यादा किसी को आपने चोट खारिज कर दी है तो ऐसी स्थिति के अंदर या 326 हो गई है तो ऐसी स्थिति से बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगा दी है सामान्य तो ऐसी स्थिति में या फोर्जरी कर लीजिए तो ऐसी स्थिति में जो अपराध होता है ये कंपाउंडेबल नहीं होता। तो जो अपराध कंपाउंडेबल नहीं होता तो उसको वो भी उन अपराधों को भी आप खत्म करा सकते हैं अगर आप सीधा हाईकोर्ट जाते हैं और कोशिश पिटीशन लगाते हैं और अगर हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर में लगता है कि दोनों पार्टी के लिए बेहतर होगा कि केस को कंपाउंड किया जाए या केस को खत्म किया जाए तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग समझ लीजिए ऐसा एक जरिया है जिसके अंदर कानून प्रदान करता है आपको कि दो पार्टी मिलकर चाहें तो किसका समझौता कर सकती है केस को खत्म कर सकते हैं। जी सर, लगातार आप इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं तो कई और चीजें हैं जो समझना चाहते हैं हम आपसे। सर, जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई बयान दर्ज करने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, सामान्यतः जांच के दौरान जो अभियुक्त कोई बयान देता है नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके बाद और जो सेक्शन है 25 और सेक्शन है जो बताते हैं कि उस बयान में से कितना पार्ट माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहते हैं कि मैंने जो है फला व्यक्ति की हत्या की, तो ये जो जितना फैक्ट है इस फैक्ट को इन एडमिटेबल तक माना जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने हत्या कर दी, हत्या कर लेगा जो जो हथियार है जो ना वो एक खास जगह में छुपा रखा है और ऐसी जो तो वहां जाती है और एक ऐसी अग्रिम जगह पे जो कि अपने आप से किसी और को पता नहीं हो सकती, वो वहां पे हथियार को पकड़ती है उठाते हैं और वो हथियार कहीं ना कहीं अपराध से जो जाता है एफएसएस को किसी और वजह से, तो वो जो हिस्सा है जिस हिस्से में जो एविडेंस को वो कलेक्ट करते हैं तो वो वाला हिस्सा भी जो अगर अपराधियों को ज्ञान नहीं करते तो वो हिस्सा जो है माना जाएगा। तो ये अपने आप में थोड़ी सी डिटेल चली जाए कि सिंपल और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है तो पुलिस की प्रक्रिया में दिया जाए ठीक है। सर, ये भी बताइए सीआरपीसी के तहत मृत्यु पर जांच रिपोर्ट क्या कुछ होती है? सर, सीआरपीसी के तहत मौत पर जो जांच रिपोर्ट है वो क्या होती है, वो भी समझना चाहेंगे। जब भी सीआरपीसी मौत का पॉइंट होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु को उसका कॉज ऑफ डेथ जो होता है यानी मृत्यु का कारण जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक मृत्यु के कारण को नहीं पता लगेगा तो किसी अपराधी का जो अपराध है सिद्ध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है सुसाइड किया हो सकता है किसी व्यक्ति की जो है जो मृत्यु है वो सामान्य प्रक्रिया में हुई हो, किसी भी आपने कई बार आपने शब्द का इस्तेमाल करता है क्यों होगा, जैसे जिस तरह जो होता है जिस तरह रिपोर्ट जो है ली जाती है जिस तरह एक प्रक्रिया है जो पोस्टमार्टम के समय में जो जांच अधिकारी है वो जो पेट के केमिकल्स होते हैं केमिकल्स को वो सुरक्षित करते हैं और जांच के लिए ये पता लगाने के लिए कि जो व्यक्ति है की हत्या हो रही है या मारा गया उसकी मौत हुई है उसके देहते भी किया गया, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जांच की जो मौत का कारण है जो मौत का कारण कोई एक्सपर्ट बताए यानी कि वो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसमें कोई अधिकारी है वो एक्सपर्ट नहीं है, तो डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है जो पोस्टमार्टम द्वारा रिपोर्ट ली जाती है उसके अंदर प्रॉपर सर्विस किया जाती है के द्वारा वो कॉज ऑफ डेथ बताता है, न केवल कॉज ऑफ डेथ बताता है बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जिसके बाद जो जांच अधिकारी है वो जो अपराधी की जो जो अपराध में इस्तेमाल किया गया जो कुल्हाड़ी है या चाकू है वो सब्सिक्वेंट ओपिनियन भी देता है यहाँ संभव है या संभव नहीं है कि इस
जो हत्या से हत्या हुई है नहीं, ये सारे एविडेंस होते हैं जो किसी व्यक्ति किसी मिलती हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से किया उसको लिया जाता है, कॉल करता तभी किसी अपराधी को हम अपराध करते। ठीक है सर, आपराधिक कानून पर इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।